हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। 18 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज़ में आपका स्वागत है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। न्यूज़ ये है कि अन अकेडमी पर लाइव क्लासें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप वहाँ पे कोई भी कोर्स है वो स्टार्ट एज ए सब्सक्रिप्शन के तौर पे स्टार्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो मेरा, इससे आपको 10% डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। देखो, अन अकेडमी पर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। उन प्रोग्राम में क्या है कि आप किसी भी टीचर के लाइव क्लासेस हैं वो देख सकते हो, अगर आप मंथली उसमें सब्सक्रिप्शन या ईयरली या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान है वो लेते हो। अगर और भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप अन अकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे प्लस प्रोग्राम के बारे में जान सकते हो। जैसे मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊँ कि अन अकेडमी का जो प्लस प्रोग्राम है वहाँ पे काफ़ी सारे एजुकेटर हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एक टीचर के लिए सब्सक्रिप्शन कोर्स स्टार्ट करते हो तो केवल उसी टीचर की आपको क्लासे अटेंड करनी होगी। आपकी मर्जी, आप किसी भी स्टूडेंट टीचर से उसकी क्लासे अटेंड कर सकते हो। वहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं, डाउट्स भी आप ऑनलाइन पूछ सकते हो उनको ऑन द स्पॉट। तो वहाँ पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। मैंने खुद ने भी देखा है कि काफ़ी सारे अच्छे कंटेंट क्वालिटी है वो प्रोवाइड करवाई गई है। तो आप उन सिलेबस को, उन कोर्सेज को ज्वाइन है वो वहाँ पे कर सकते हो। रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको उस पर 10% ऑफ है वो वहाँ पे मिलेगा। अब हम चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ की तरफ। पहली जो न्यूज़ हमारी आई है वो आई है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी के बारे में। देखो, काफ़ी समय से आपको पता है प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे देश में जो रिक्वायरमेंट के लिए एग्जाम होती हैं उसमें कि भाई सही ढंग से नहीं हो रही, ट्रांसपेरेंसी का इशू आ रहा था, पेपर्स वगैरह लीक। तो एक यूनिटी, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक यूनिफाइड वे में काम है वो नहीं हो रहा था। इसीलिए भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी को बनाने के लिए। क्या होगा, किस तरीके से एजेंसी है वो काम करने वाली है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, ये जो एजेंसी है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, ये ध्यान रखना केवल प्रीलिम्स वाली जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगी, बाकी जो मेंस एग्ज़ाम है वो रिलेटेड डिपार्टमेंट ही करवाएंगे। क्योंकि जो मैक्सिमम क्राउड होता है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ही हट जाता है, तो इसीलिए एक यूनिफॉर्म वे में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए बेसिकली SSC की, यानी कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एग्ज़ाम होती है वो, और इसी के साथ ही IBPS यानी कि हमारे देश के जो बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी एग्ज़ाम की जो प्री एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, उनको इस एजेंसी के द्वारा कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। जिस तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसका काम क्या है, जो नीट की और CBSE की जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाई जाती हैं, इसी तरीके से नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी है वो SSC और जो IBPS की प्री वाली एग्ज़ाम होती है जिनमें प्रीलिम्स हैं उन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। बाकी जो मेंस और आगे की जो प्रोसीजर है वो रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है या एजेंसीज हैं वो कंडक्ट है वो आगे करवाने वाली हैं। मतलब केवल प्रीलिम्स एग्जाम है वो ओनली इसके द्वारा करवाई जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्वालिफाई एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी, इसके बाद में बाकी है जो मेंस एग्जाम वो रिक्वायरमेंट एजेंसी है रिलेटेड वो काम करवाने वाली हैं। इसका मतलब क्या है, क्यों इसको स्टार्ट किया गया है, क्योंकि देखो हमारे देश में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी आपको पता है कि हर साल की इस बार SSC का पेपर लीक हो रहा है, IBPS में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, काफ़ी सारे इश्यूज सामने आ रहे थे। तो एक अलग से बॉडी बनाई जा रही है जिसका काम सिर्फ क्या होगा, SSC और IBPS की इंडिया में जितनी भी एग्जाम्स हैं वो सारी एग्जाम इसके थ्रू कंडक्ट हैं वो करवाई जाएगी। एक तरीके से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो स्टार्ट करवाया जाएगा और बाकी मेंस एग्जाम रिलेटेड डिपार्टमेंट है वो करवाने वाले हैं। तो एक अच्छा प्रपोजल है जो कि भी गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर है, अप्रूवल है वो दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है FCRA एक्ट के बारे में, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। देखो, इस एक्ट की अगर हम बात करें पीछे से, मतलब बैकग्राउंड के साथ, तो ये एक्ट बेसिकली 1976 में आया था। आपको पता है 1976 में कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम पे, और काफ़ी बड़ी, मतलब उस टाइम पे आपको पता है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इमरजेंसी का भी काफ़ी बड़ा बवाल उठा था। और उस दौरान क्या कि काफ़ी इनस्टेबिलिटी हो गई थी हमारी पॉलिटिक्स में, या बोल सकते हो कि राजनीति में उथल पुथल ज़्यादा हो रही थी। तो गवर्नमेंट को कहीं डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाहर की कोई संस्था है या बाहर की कोई कंट्री, कोई भी कंट्री है, मान लो कि पाकिस्तान, चाइना, कोई भी कंट्री ले लो, उसकी तरफ से कोई पॉलिटिशियन वगैरह को फंडिंग दे दी जाए और उनको मतलब मैनुपलेट किया जाए, उनको खरीदा वगैरह, खरीद वगैरह ना उसके। तो बेसिकली उस टाइम पे जो पॉलिटिशियंस वगैरह थे या गवर्नमेंट आप बोल सकते हो, वो बाहर से फंडिंग वगैरह लेके कहीं ना कहीं ऐसा काम ना कर ले, इसके लिए बेसिकली FCRA एक्ट आया था 1976 में। बट बाद में धीरे धीरे इसको टेररिस्ट के लिए लिखा गया कि भाई टेररिस्ट ग्रुप फंडिंग ना दे सकें, अदरवाइज फिर पॉलिटिक्स में टेररिज्म है वो भी आ जाएगा, इसलिए स्टेप उठाएगी। लास्ट में क्या हुआ, 2010 में जब ये एक्ट वापस में मॉडिफाइड किया गया, आप ये बोल सकते हो कि इस एक्ट में संशोधन किया गया, उस दौरान इसका मोटो ये कर दिया गया कि हमारे देश में जो भी NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है
जो कि बाहर से फंडिंग वगैरह लेते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट का काम है वो कर दिया गया कि भाई वो बाहर से फंडिंग वगैरह है वो मतलब उनको रेगुलेट वे में करनी पड़ेगी, मनमर्जी वगैरह वो नहीं कर सकेंगे। देखो एनजीओ वगैरह पे काफ़ी बार आरोप लगते हैं कि ये बाहर से फंडिंग लेते हैं फिर इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ी बाधा क्रिएट करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल बताऊँ, कुछ साल पहले की एक बात है कि हमारे देश में न्यूक्लियर प्लांट लगाया जा रहा था एक एरिया में, तो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा था उस जगह पे, तो वहाँ पे क्या क्या कुछ एनजीओ को बाहर से फंडिंग दे दी गई, कुछ जो आप बोल सकते हो कि जैसे पाकिस्तान या कोई भी और संस्था से, कि भाई आप यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो मत लगाने दो, यहाँ के जो लोकल लोग रहते हैं इस पावर प्लांट के आसपास वाले एरिया में उनको आप मतलब भ्रमित कर दो वगैरह कुछ भी। तो इस एनजीओ ने क्या है कि इस तरीके की गलत एक्टिविटीज़ या गलत प्रैक्टिस को अंजाम दिया था। ऐसे एक केस नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे केसेस सामने हैं, इसीलिए जो एनजीओ हैं इनकी बाहर से फंडिंग को रेगुलेट करना काफ़ी अहम है वो हो गए हैं। और हाँ ये ध्यान रखना कि जो एनजीओ वगैरह हैं वो बेसिकली होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, मतलब होम मिनिस्ट्री ही है वो एनजीओ को रेगुलेट है वो करती है, तो उनकी जो फंडिंग वगैरह है इसके ऊपर अभी रेगुलेशन है, नए गाइडलाइंस आई हैं। जैसे एक नई गाइडलाइन में ये प्रावधान किया गया है कि भाई जो भी एनजीओ में वर्कर काम करेगा कोई भी पर्सन, उसको खुद को एक एफिडेविट एक प्रमाण पत्र देना होगा कि भाई वो कोई भी तरह का मतलब पैसे का मिसयूज नहीं करेगा, बाहर का पैसा लेके इंडिया में गलत प्रैक्टिसेस के लिए, इस तरह का उसको एक सर्टिफिकेट है एफिडेविट है वो देना होगा। इसी के साथ ही जो एनजीओ वगैरह में जो लोग काम करते हैं इनको गिफ्ट वगैरह की भी छूट होती है एक लिमिट तक। पहले ये प्रावधान था कि ये बाहर से कोई भी कंट्री हो, एग्जांपल अब ये मान लो कि चाइना हो, कि इंडिया में कोई एनजीओ काम कर रहा है, अगर उसको बाहर की कंट्री से कोई गिफ्ट भी मिलता है तो उस गिफ्ट की कीमत है वो मार्केट में 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक साल में एनजीओ में काम करने वाला कोई भी वर्कर है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा तक का गिफ्ट है वो नहीं ले सकता। अब इसको बढ़ा के 1 लाख तक का कर दिया गया कि भाई 1 लाख तक के गिफ्ट हैं वो एक साल के यानी एक साल के फाइनेंशियल ईयर में अलाउ किए गए हैं। ये भी कुछ नए गाइडलाइंस की गई हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एनजीओ को किस तरीके से रेगुलेट है वो किया जाता है, किस तरीके से गलत प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उनके लिए क्या क्या स्टेप है वो उठाने होंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक 2019। अभी देखो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर UNDESA, इसका नाम आपने सुना होगा UNDESA, इसकी एक पॉपुलेशन डिवीजन है, उसके द्वारा इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक रिपोर्ट है, डाटा है वो रिलीज किया गया है। क्या है इस डाटा में? इसमें बेसिकली ऑल ओवर वर्ल्ड में जो माइग्रेंट्स हैं उनके बारे में दिया गया कि भाई कौन सी कंट्री में माइग्रेंट्स ज़्यादा जा रहे हैं, कहाँ के लोग ज़्यादा माइग्रेंट हो रहे हैं, वो सब डाटा दिया गया है। जैसे इसमें ये बताया गया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग हैं वो माइग्रेंट करते हैं, यानी इंडिया से बाहर जाते हैं इंडिया में आते हैं। ये बताया गया है कि 2019 के साल में इंडिया का जो माइग्रेंट डायस्पोरा है वो है लगभग 17.5 मिलियन का। और इसके बाद में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट लोग जाते हैं वो जाते हैं यूएसए में, मतलब यूएसए सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लोगों की मेज़बानी है वो करता है। इसके बाद में ज़्यादा माइग्रेंट और जाते हैं वो जाते हैं सऊदी अरबिया में, इसके बाद में रशिया में जाते हैं, और फिर इंग्लैंड में। इस तरीके का डाटा यहाँ पे दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट लोग जाते हैं वो जाते हैं मेक्सिको से, इसके बाद में यहाँ पे आगे ऑर्डर दिया गया चाइना से भी दिया गया, रशिया से भी। तो ये कुछ आप डाटा यहाँ पे एक बार थोड़ा नज़र डाल सकते हो। खैर इतना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बता होना चाहिए कि इंडियन डायस्पोरा है वो सबसे ज़्यादा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, 17.5 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा इंडिया ने क्रिएट है वो किया है, मतलब इंडिया के बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, अलग अलग एरियाज में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल माइग्रेंट हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड में वो हुआ है बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल वाले एरिया से। तो ये बेसिकली इस रिपोर्ट्स के कुछ फैक्ट हैं, डाटा है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, दो चार, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है भारत बिल पे पेमेंट सिस्टम के बारे में। तो क्या है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, यानी कि BBPS? देखो बेसिकली RBI की हेल्प से एक पोर्टल वो बनाया गया था, और इस पोर्टल को जो ड्रेवन है आप बोल सकते हो रेगुलेट है, बाकी सारे जो काम है चलाने का वो काम किया जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम RBI का एक कॉन्सेप्ट है, इसी के आधार पे से बनाया गया है और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको चलाती है। क्या ये? यह एक तरीके की एक वेबसाइट है, जैसे जैसे फ्लिपकार्ट है ये एक वेबसाइट है, उसी तरीके से ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन बिल वगैरह पे कर सकते हो, जैसे कि TV का हो गया, टाटा स्काई का हो गया, इसके साथ लैंडलाइन का बिल पे करना हो, फ़ोन का पोस्टपेड बिल पे करना हो, इस तरीके की बिल पेमेंट की सर्विस हैं वो प्रोवाइड करवाई गई हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है
कि इसमें आप कहीं से भी बिल पे कर सकते हो ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसी के साथ इसमें ट्रांजेक्शन है वो सिक्योर रहता है, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कैश के थ्रू भी पेमेंट किया जा सकता है। यानी इसमें जगह जगह पे गवर्नमेंट ने क्या है अपने स्टॉक बनाए, ई क्योस्क सेंटर, वहाँ पे कोई भी पर्सन जाके कैश जमा करवा के और जो ऑनलाइन पेमेंट है भारत बिल पेमेंट वो कर सकता है। इसी के साथ चेक के थ्रू पेमेंट किया जा सकता है। इसी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक यानी कि यूपीआई हुआ, नेट बैंकिंग हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, इन मेथड से भी पेमेंट है वो किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना कि कैश मेथड से भी यहाँ पे पेमेंट है वो एक्सेप्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, इसी के साथ हम वो देख लेते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में यूपीएससी ने लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा था। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी हमारे देश में रिटेल पेमेंट होते हैं यानी कि जो भी खुदरा पेमेंट होते हैं ना, छोटे मोटे अपन पेमेंट करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा भीम ऐप आप यूज़ करते होगे, इसी के साथ ही फ़ोनपे हो गया, इसी के साथ ही गूगल पे हो गया। तो ये सारे जो प्ले अप्लीकेशंस हैं ये बेसिकली नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो बनाया गया प्लेटफॉर्म है उसी के तहत काम है वो करते हैं। ये जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये बेसिकली हमारे देश के जो 10 बड़े बैंक हैं, जिसमें SBI हुआ, HDFC हुआ, ICICI हुआ, ये सारे बैंकों ने मिलकर इस पोर्टल को बनाया था, और इसके थ्रू हम जो बैंक पेमेंट हैं वो करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन है, उनकी गाइडलाइन और उनकी ज्यूरिडिक्शन में ये काम है वो करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल के बारे में। देखो कंटेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है वो देखते हैं पहले। न्यूज़ ये आई थी कि जापान, साउथ कोरिया और इसी के साथ ही चाइना, इन तीन कंट्रीज ने ये कहा है कि भाई हम हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल है इसकी प्रोडक्शन की तरफ फोकस करेंगे, और हमारा टारगेट ये रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल बनाए जाएं और इनको मार्केट में उतारा जाए, ताकि जो एमिशंस वगैरह हो रहे हैं खतरनाक इनको रेगुलेट किया जा सके और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी तैयार किया जा सके। अब देखो कौन सी कंट्री ने क्या टारगेट रखे हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन व्हीकल्स का बेचने का, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये कि हाइड्रोजन जो पावर्ड व्हीकल है वो कैसे काम करेंगे और क्या क्या इसके लिए चैलेंजेस हैं। भी देखो हाइड्रोजन जो पावर्ड व्हीकल हैं इसमें बेसिकली जो बाई प्रोडक्ट आप या बोल सकते हो कि जिस तरीके से डीजल हम यूज़ करते हैं तो धुआं जनरेट होता है, उसी तरीके से अगर हम अगर हाइड्रोजन फ्यूल को यूज़ करेंगे तो पानी और गर्म हवा है वो एक बाई प्रोडक्ट के तौर पे निकलने वाली है, यानी कि पोल्यूशन नहीं होगा। अब देखो बात ऐसी है कि जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो बेसिकली मीथेन, कोल, वाटर और गार्बेज, इन काफ़ी सारे सोर्सेज से बनाया है वो जा सकते हैं। बस दिक्कत ये है कि इसकी प्रोसीजर कॉम्प्लेक्स है वो होती है, खैर वो आगे हम देखने वाले हैं। अब बात ऐसी है कि जो ड्राइविंग रेंज है, रिफ्यूलिंग टाइम, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनको चार्ज करने में टाइम लगता है, जबकि हाइड्रोजन पावर्ड जो व्हीकल होते हैं इनको चार्ज करने में इतना टाइम नहीं लगता, जिस तरीके से नॉर्मली जो हमारी पेट्रोल डीजल की गाड़ी होती हैं उसी तरीके से काम है वो करती हैं, तो बहुत जल्दी ही काम हो जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं करनी पड़ती। अब बात ऐसी है कि तो फिर और सभी कंट्रीज़ क्यों नहीं लेके आ रही। देखो इसके काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम एक तो ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी कॉस्टली है, महंगी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको थोड़ा अफोर्ड करना मतलब मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च भी हुए हैं वो काफ़ी महंगे हुए हैं, तो इसीलिए वो कंज्यूमर है वो उनको खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो मार्केट में एक तरीके से आप बोल सकते हो कंपटीशन लाइक नहीं रह पाए हैं। दूसरी बात यह कि जो रिफ्यूलिंग स्टेशन हैं इंडिया में वो अभी तैयार नहीं किए गए हैं हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल के लिए, क्यों? क्योंकि काफ़ी कॉस्टली है, यानी कि भारी इंफ्रास्ट्रक्चर या कि स्टार्टिंग में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ अगर कोई आदमी गलती से मान लो कि उसने रिफ्यूलिंग स्टेशन लगा भी लिया, तो बात यह है कि जो फ्यूल व्हीकल मतलब जो हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल हैं वो मार्केट में इतने हैं ही नहीं कि भाई उस आदमी को प्रॉफिट हो सके। जैसे मानो कि किसी भी आदमी ने 10-15 करोड़ रुपए खर्च करके पावर स्टेशन बनाया है और फिर उसके पास कोई गाड़ी चार्ज ही नहीं हो रही, रिफिलिंग ही नहीं हो रही, तो फिर क्या मतलब, उसको तो प्रॉफिट नहीं हो रहा ना। इसी के साथ ही कंज्यूमर को डर ये लगता है कि यार कहीं हाइड्रोजन में एक्सप्लोजन हो गया, विस्फोट हो गया, तो काफ़ी खतरा हो सकता है, गाड़ी का नुकसान हो सकता है। इसी के साथ ही बात है कि हेवी सब्सिडी है उसकी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत महंगी है प्रक्रिया, इसलिए गवर्नमेंट को इसमें कुछ इनिशिएटिव स्टेप है वो उठानी होंगी। तो देखो जो ये ऐसे पॉइंट है ना, ये आप आंसर राइटिंग में यूज है वो कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक बेसिक पॉइंट हैं जिनको हमें एग्जाम में लिखना होता है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वह है रुस्तम टू। रुस्तम टू है वो देखो एक ड्रोन है कि DRDO द्वारा डेवलप है वो किया गया है। इससे पहले रुस्तम 1 भी बनाया गया था,
आपको ध्यान होगा उसी का एक आप बोल सकते हो कि एडवांस वर्जन है रुस्टम 2। पहली बात क्या है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग में एरियल व्हीकल है, यानी कि मध्यम रेंज में, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे भी नहीं जाएगा। और अनमैन्ड, अनमैन्ड का मतलब यह मानव रहित, यानी कि एक तरीके से ड्रोन है तो इसमें मानव की जरूरत तो होती ही नहीं है। DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। इसका मोटो यह है कि सर्विलेंस, यानी कि एक तरीके से निगरानी है, जासूसी करने के लिए इसको तैयार है वो किया गया है कि ऑल ओवर इंडिया के बॉर्डर वगैरह टेरिटरी को सुनिश्चित किया जा सके। इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, 24 घंटे तक, ऑलमोस्ट 20 से 24 घंटे ये ड्रोन वगैरह के थ्रू निगरानी कर सकते हैं। अभी न्यूज़ ये आई थी कि इसकी टेस्टिंग चल रही थी तो कर्नाटका में एक जगह क्रैश हो गया था, तो अभी न्यूज़ में आया तो हमने इसे डिस्कवर वो कर लिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा मिसाइल है वो इंडिया की स्वदेशी मिसाइल है, इसको बियॉन्ड विजुअल रेंज के नाम से भी जाना जाता है और एयर टू एयर मिसाइल है। न्यूज़ अभी आई थी कि सुखोई 30 है उस पर इसका भी सफल टेस्टिंग है वो किया गया था। एयर टू एयर है मतलब सुखोई 30 से इसको लॉन्च है वो किया गया था। ऑल वेदर इसकी रेंज है। इसी के साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल है, DRDO के द्वारा डेवलप की गई है। इसकी जो स्पीड है वो है सुपरसोनिक, यानी कि 1.2 से 1.4 मैक तक इसकी स्पीड है। आप ही बताओ कि 1 मैक का मतलब क्या होता है, या आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैक स्पीड क्या होती है इसके बारे में। नेक्स्ट एक छोटी सी न्यूज थी, वो थी पैराक्वाट के बारे में। तो क्या है पैराक्वाट? देखो पैराक्वाट है ना एक टॉक्सिक केमिकल है, यानी कि एक जहरीला रसायन है जो कि जो प्लांट किलर होते हैं उसके तौर पे यूज किया जाता है। अब देखो आपने खेतों में जो खरपतवार देखी होगी, उस खरपतवार को खत्म करने के लिए इस केमिकल का यूज है वो किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखना कि पैराक्वाट्स है वो है क्या। अभी न्यूज में था रिसेंटली, काफी कंट्रीज ने इसको बैन है वो कर रखा है क्योंकि लीवर किडनी वगैरह पे काफी बुरा इफेक्ट है वो डालता है। नेक्स्ट आज एक छोटी सी न्यूज आई थी ई सिगरेट को लेके। देखो जो मार्केट में ई सिगरेट अवेलेबल हैं या फिर ई हुका, मतलब जिनमें निकोटिन लिक्विड मात्रा में पाया, लिक्विड कंटेंट में पाया जाता है, उनको अभी गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट बैन कर दिया गया है। ना तो इनका अभी यूज़ किया जा सकता, ना इनको मार्केट में सेल है वो किया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ ही, तो आपको ध्यान में रखना है ई सिगरेट को मार्केट में कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। और ई सिगरेट में आपको स्टेटमेंट दे दे कि भाई इसमें निकोटिन नहीं होता है, निकोटीन होता है बस वो लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है COO के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सॉरी ECOI, ई होगा यहाँ पे ECO, इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन। देखो आपको पता है कि गवर्नमेंट इंडिया में जो एक्सपोर्ट है उसको काफ़ी प्रमोट करती है, तो ऑब्वियसली इंडिया से अगर एक्सपोर्ट को प्रमोट करिए तो जो इंजन इंडियन ओरिजिन का जो इम्पोर्ट, सॉरी इंडियन ओरिजिन का जो प्रोडक्ट है, जैसे कि इंडिया से कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम है उसको बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे सामान पर गवर्नमेंट क्या है कि छूट देती है और काफ़ी तरह की सब्सिडी और बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करवाती हैं। तो जो इंडियन ओरिजिन के जो प्रोडक्ट हैं उनके वो सर्टिफाइड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन जो वर्ड है वो यूज किया जाता है। अभी न्यूज़ ये आई थी कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक वेबसाइट बनाई है ताकि जो भी माल एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, या बोल सकते हो, तो उसके ऊपर एक प्रूफ के तौर पे, मतलब एक ठप्पा या स्टाम्प लगा दिया जाएगा कि भैया इंडियन ओरिजिन का है, इंडिया से बना हुआ है। कई बार क्या होता है कि इंडिया में कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि बाहर से आते हैं और फिर इंडिया भी उनको एक्सपोर्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल ये मान लो कि चाइना से कोई ऐसा प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ रहा है जो इंडिया में आया पहले, फिर इंडिया उसको थोड़ा मॉडिफाइड वगैरह कुछ करके भी या बाहर सीधा के सीधा ही और कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट पे इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन का चेक नहीं लगेगा। बेसिकली उन पे लगाया जाएगा जो इंडियन ओरिजिन के हैं ताकि उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके और पता चल सके कि भाई ये इंडियन ओरिजिन के प्रोडक्ट हैं और उनको गवर्नमेंट कुछ स्पेशल रियायत छूट वगैरह है वो प्रोवाइड करवाएगी। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसके द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च है वो किया गया था ताकि ये सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।